इस इश्क में मर जावा। एक जाम तुम्हारी मुस्कुराहट क्या है? कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम चाय के बिना नहीं रह सकते। आप लोग पिएंगे? दीदी मेरे होते आप चाय क्यों बनाएंगे? मैं बनाती हूँ। अरे एक मिनट, आप लोग सब लोग चाय वाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ, मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है। आप बैठे ना, मैं चाय बनाकर बस अभी लाती हूँ। ये दवा मेरे बुने हुए झूठ को तुम्हें सच मानने पे मजबूर कर देगी, और ये सिलसिला मैंने मुंबई से लौटते वक्त ही शुरू कर दिया था। बड़ी खतरनाक दवा है ये, इससे मेरी प्यारी बीवी को ना सच झूठ का फैसला समझ आएगा, ना दिन याद रहेगा, ना वक्त, ना तारीख। अब इस खास दवाई के जरिए वो सारी बातें जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, एक धुंधले सपने जैसे दिखेगा। वो पीसीओ, वो ब्रेसलेट, पृथ्वी को गोली लगना, सब कुछ अब तुम्हारे सामने सिर्फ वही सच रहेगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। आरोही, धीरे धीरे उसे उस हर एक बात पर विश्वास हो जाएगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि वो खुद का विश्वास खो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा शातिर दिमाग इस दुनिया में कोई होगा। आरोही की ट्रेन पटरी से उतर गई थी, अच्छा हुआ आप उसे वापस पटरी पे ले। आरोही को तो मैं संभाल ही रहा हूं, सुशांत की क्या खबर है? सर खबर बहुत बड़ी है। मिली है कि माल रोड के पुलिस स्टेशन के लॉकअप से एक मुजरिम फरार हो गया है, जिस पर खून का इल्जाम। पुलिस इस बारे में ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं, मगर तमाम पुलिस स्टेशन और बस अड्डों पर सुशांत रायचंद के पोस्टर लगा दिए गए हैं। खबर वाकई में बहुत अच्छी है। लॉकअप से भागकर उसने प्रूफ कर दिया कि खूनी वही है। अगर साला चिट्ठी पढ़ते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि उसे ट्रैप किया जा सकता है, खुद फंस गए अपनी मौत के जाल में। अब बचा वो लक्ष्य, आज तो हम बच गए। इससे पहले कि वो ब्रेसलेट वाली बात कंफर्म करता वो वहां से निकल गया, लेकिन आगे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तब तक आरोही सब कुछ भूल नहीं जाती। आरोही और लक्ष्य का सामना नहीं होना चाहिए। वो लक्ष्य चुप बैठने वाला नहीं, बोल के गया है कि वापस आएगा। सर ये सुशांत भागते भागते कहीं नेपाल तो नहीं पहुंच गया? मिल ही नहीं रहा। और सुशांत को भगाने में कहीं दीप रायचंद का हाथ तो नहीं है सर? हाँ सर, हो सकता है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सोच रहा हूं कि सुशांत को भगाने में दीप का क्या फायदा हो सकता है। वो तो खुद उस पर इल्जाम लगा रहा था, तो फिर वो उसे क्यों भगाएगा? या फिर इसके पीछे कोई और खिलाड़ी है? जब हम रायचंद परिवार से पूछताछ करने के लिए उनके घर गए थे तो दीप मुझे बहुत ही परेशान लग रहा था, और वो आरोही भी मुझे कोई बात बताने वाली थी उस ब्रेसलेट के बारे में जो अधूरी रह गई। अधूरी रह गई, ठीक है तो पूरी कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सही समय नहीं है कॉल करने का। वैसे भी इस तरह की बातें आमने सामने हो तो ज्यादा बेहतर है। आरोही, तुम्हारे पास अगर कोई ऑइंटमेंट हो तो दे दो प्लीज।
हमारी आपके हाथ में पट्टी क्यों बंधी है? क्या हुआ आपको? आरोही, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हारी वजह से तो हुआ ही ये। मेरी वजह से? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैंने क्या किया है? आरोही बेटा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे दुख इस बात का है तुमने मुझे सॉरी तक नहीं कहा। लोग तो गैरों की तकलीफ देख के भी पिघल जाते हैं। मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ना बेटा, तुम्हें मेरा जरा सा भी ध्यान नहीं है। पर माफी तो मांग लेती बेटा। माफी? ऐसा क्या किया आरोही ने मॉम? आरोही माफी क्यों मांगेगी? मेरे हाथ पर गरम खौलती हुई चाय गिरा लेने की माफी। कल की बातें किचन में गिराई थी। अब आरोही ऐसे जाहिर कर रही है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं? आरोही, तुमने मॉम के हाथ पर चाय गिराई? क्यों किया तुमने ऐसा? ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने ये सब कब किया? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम दोनों किचन में आए थे और दिया ने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी कहा था ना आरोही, कहा था कि नहीं? हाँ ये सब तो याद है मम्मा, मैं चाय बनाने उठी थी लेकिन उसके बाद कुछ भी याद नहीं। आपका हाथ मुझसे कैसे जला कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाय बनाते वक्त हमने इतनी सारी बातें की थी, उसमें से कुछ याद है तुम्हें? तुम हमें चाय परोस रही थी और फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया कि अचानक तुम लड़खड़ाई और सारी खोलती हुई चाय मेरे हाथ के ऊपर गिरा दी। मेरा पूरा हाथ जल गया है। मैं इतने जोर से चिल्ला रही थी आरोही, लेकिन तुमने मुझे देखा तक नहीं और बस दीप को पुकारती हुई किचन से निकल गई तुम। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो सबूत तो हमारे सामने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आरोही, तुम्हारी जैसी बहू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? तुम्हें हो क्या गया? तुम इतने जल्दी कैसे बदल सकती हो आरोही? नहीं मामा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सब कुछ मुझसे हुआ है तो जरूर अनजाने में हुआ होगा। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैं कल किचन में चाय ज़रूर बना रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसने क्या कहा क्या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ कमरे में थी। ओ गॉड आरोही, ये तुम्हें क्या हो गया है? भगवान न करे कहीं तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई है ना? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेहोशी का असर अब तक थोड़ा रह गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम 2-3 घंटे आराम कर लोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मॉम प्लीज आप आरोही को माफ कर दीजिए, आई एम श्योर उसने जानबूझकर आपके हाथ पर चाय नहीं गिराई। पता है बेटा, आरोही ऐसी लड़की है ही नहीं। ये तो इतनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, ये किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर ही नहीं सकती है। ये भी क्या करेगी बेचारी, इसकी दिमागी हालत ठीक ही नहीं है ना।